हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी एट अ लीगल। आज ये मेरा मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है जो मुझसे लोग पूछते हैं कि आप कौन सा बुक प्रिफर करते हैं या कौन सा बुक पढ़ते हैं, साथ में बुक और बेयर एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। जो कि एकदम न्यू कमर्स होते हैं उनको ये डिफरेंस समझ में नहीं आता कि टेक्स्ट बुक क्या होता है और साथ में बेयर एक्ट क्या होता है, तो इसको हम लोग करेंगे। साथ में लॉ कॉलेज के लिए अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन के लिए कौन से बुक अच्छे हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं इसमें कुछ लास्ट में आप लोग को जुडिशियरी के लिए एकदम ऐसे बुक्स दिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत फेवरेबल होंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बीच बीच में भी मैं कुछ कुछ बुक इंट्रोड्यूस करूंगा आप लोग के लिए एज अ सरप्राइज गिफ्ट। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेयर एक्ट और टेक्स्ट बुक में क्या डिफरेंस, जैसे ये जेएन पांडे का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का ये टेक्स्ट बुक है, उसका ये बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट क्या होता है, एक कंसाइज बुक होता है जिसमें आपका सिर्फ आर्टिकल या सेक्शन दिए होते हैं, वहीं पे टेक्स्ट बुक में उसके सेक्शन के डिटेल्ड वर्जन, केस लॉ का पूरा डिटेल, उसका समरी, सारा चीज टेक्स्ट बुक में दिए होते हैं। तो बेयर एक्ट हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का मैं जो बुक पढ़ता हूं वो है डॉक्टर जेएन पांडे का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का किताब। ये बहुत अच्छा किताब है, इसका लैंग्वेज बहुत अच्छा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में ही मैंने इसका लॉ एंड जस्टिस पब्लिकेशन का ये बेयर एक्ट भी रखा है। बेयर एक्ट कॉलेज और अपने जो भी है शॉर्ट प्रिसाइज मैनर में पढ़ने के लिए बेयर एक्ट रखा है, साथ में जेएन पांडे का ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया ये किताब रखा है जेएन पांडे का। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने और दो बुक रखे हैं। पहला तो एम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी, ये बहुत मुझे पसंद है, मैं ज्यादा इसी से पढ़ता हूं अभी। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी मैंने इंग्लिश वर्जन और हिंदी दोनों समझने के लिए रखा है, भारत की राज्य व्यवस्था, ठीक है, सिविल सर्विस एवं अन्य परीक्षाओं के हेतु। ठीक है, जो भी यूपीएससी या फिर बीपीएससी ये सब का एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं वो जरूर एम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगती है। चलिए अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को हटाते हैं और दूसरे किताब पे चलते हैं। अब हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए यानी टीपीए के लिए मैं डॉक्टर आर के सिन्हा का किताब पढ़ता हूँ। आर के सिन्हा का किताब, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है किताब। ठीक है, इसका लैंग्वेज बहुत अच्छा है, साथ में बुक्स का भी जो कहे कि गैप दे दे के जो लिखा हुआ है वो बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। तो आर के सिन्हा का किताब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए एक्ट के लिए ठीक रहेगा। वहीं पे इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता, ठीक है, आईपीसी के लिए मैं किताब जो पढ़ता हूँ वो है एस एन मिश्रा की किताब। बहुत अच्छी किताब है, मेरा फेवरेट है ये एस एन मिश्रा किताब, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप इंडियन पिनल कोड का बेयर एक्ट जो है वो इंग्लिश वर्जन में भी ले सकते हैं, साथ में ये डिग्लॉट वर्जन इसको कहते हैं। डिग्लॉट वर्जन बोलते हैं कि एक साइड आपका इंग्लिश लिखा होगा, एक साइड आपका हिंदी लिखा होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, आप फुल्ली जो है वो इंग्लिश वर्जन भी ले सकते हैं, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश का भी ले सकते हैं, लेकिन डिग्लॉट वर्जन ये इसको कहता है कि एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश में लिखा होता है। आईपीसी के लिए एस एन मिश्रा का किताब, साथ में उसका बेयर एक्ट। ठीक है, ये आपका आईपीसी खत्म हो गया। साथ में ही लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के लिए आपके लिए सबसे अच्छा किताब है एस एन मिश्रा, सेम पब्लिकेशन आईपीसी का, एस एन मिश्रा का किताब लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं इंटरनेशनल लॉ में। इंटरनेशनल लॉ में मुझे जो सबसे अच्छी किताब लगी पढ़ने में वो है डॉक्टर एस के कपूर। एस के कपूर का इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स पे ये किताब है, ये बहुत अच्छा है, सेंट्रल लॉ एजेंसी का किताब है ये, इसके से आप गो थ्रू कर सकते हैं, इसको एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो किताब है वो हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के लिए किताब जो है वो मुझे सबसे अच्छा लगा पारस दीवान। ठीक है, पारस दीवान का हमको किताब अच्छा लगा, आप किसी और का भी ले सकते हैं, यूपीडी केसरी का भी किताब इसमें बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो पारस दीवान है। तो आप हिंदू लॉ के लिए पारस दीवान ले सकते हैं, इलाहाबाद लॉ एजेंसी का किताब है ये।
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए डॉक्टर जे जे उपाध्याय का किताब, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए डॉक्टर जे जे आर उपाध्याय का किताब जो कि सेंट्रल लॉ एजेंसी के द्वारा पब्लिश होती है, इसका किताब आप पढ़ सकते हैं। ये किताब अच्छा है, मैंने इसी किताब को प्रीफर किया है, पढ़ा है। अब आते हैं हम लोग सीपीसी के लिए। सीपीसी के लिए जो किताब बढ़िया हमने पढ़ा है वो सीके टकवानी का किताब पढ़ा है सीपीसी के लिए, ठीक है, सीपीसी के लिए टकवानी का किताब अच्छा है, ठीक है, डिटेल्ड किताब है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एविडेंस। एविडेंस का किताब मैंने दो किताब पढ़ी है, ठीक है, एक बटुकलाल की किताब पढ़ी है और साथ में ही एक मैंने पढ़ी है अवतार सिंह की किताब। हमको दोनों किताब बहुत पसंद है। बटुकलाल को मैंने मतलब ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि बटुकलाल लीजिए, इसका लैंग्वेज जो है ईजी है, साथ में समझ में आता है, डिटेल्ड है थोड़ा, साथ में अवतार सिंह भी बहुत अच्छी किताब है। तो आप एविडेंस के लिए बटुकलाल और अवतार सिंह दोनों में से कोई एक में जा सकते हैं। चलिए एविडेंस हो गया, अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन का अटल कुमार का किताब, ये मैंने अभी पढ़ी है रिसेंटली, मैंने 5 ईयर्स जो मेरा फाइनल ईयर था तो उसमें टैक्सेशन अटल कुमार का ये मैंने पढ़ी है। वैसे बहुत बोरिंग लगा लेकिन ये किताब ठीक है, समझ में आ रही थी। वहीं पे सीआरपीसी के लिए आप जो है केलकर का किताब मुझे अच्छा लगा पढ़ने में, बहुत डिटेल बुक है लेकिन समझ में आएगा। यहीं पे इसका डिग्लॉट वर्जन बेयर एक्ट हिंदी इंग्लिश, इसको मैंने प्रीफर किया है, ठीक है, केलकर का किताब सीआरपीसी के लिए, साथ में ही डिग्लॉट वर्जन का इसका बेयर एक्ट। चलिए इसको भी साइड करते हैं। अब हम लोग आते हैं कंपनी लॉ पे। कंपनी लॉ के लिए मैंने एनवी प्रांजपे की किताब पढ़ी है, ठीक है, कंपनी लॉ पे मैंने एनवी प्रांजपे की किताब पढ़ी है, सेंट्रल लॉ एजेंसी की किताब है, ये बहुत अच्छी किताब है। साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए अवतार सिंह, ठीक है, एकदम अवतार सिंह बहुत अच्छी किताब है, कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दोनों है इसमें, ठीक है, अवतार सिंह के से गो थ्रू कर सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छी बुक है। अब आते हैं जैसे कि हम लोग के बिहार में अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी की पढ़ाई होती है तो उसके लिए सबसे अच्छी बुक मुझे लगी अवतार सिंह की किताब, ठीक है, अवतार सिंह की बहुत कंसाइज मैटर में बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिट्यूट्स, इसके लिए डॉक्टर डीएन माथुर की किताब जो है वो बहुत अच्छी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिट्यूट्स के लिए सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की किताब है ये, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। जुरिस्प्रूडेंस के लिए मैंने कोई बहुत मोटी किताब नहीं ली है, मैंने पतली सी किताब ली है, मुझे बहुत इजी लगी और मैंने इसको एक बार पढ़ा, अच्छा लगा मुझे। प्रोफेसर नोमिता अग्रवाल की किताब मुझे बहुत पसंद आई जुरिस्प्रूडेंस के लिए, ये किताब मैं इसी से मतलब कि अपने जो भी लॉ के एग्जाम थे BLLB थर्ड ईयर की एग्जाम, मैंने जुरिस्प्रूडेंस इसी से पढ़ के दिए, मुझे बहुत कंसाइज मैटर में बहुत अच्छा मिल गया सारा चीज जो मुझे चाहिए था। तो ये प्रोफेसर नोमिता अग्रवाल का किताब है, ये एक बार तो जरूर पढ़िएगा, ये बहुत अच्छी किताब है, मतलब कि आपको आराम से जो भी जरूरत की चीजें हैं वो इसमें आपके लॉ एग्जामिनेशन के लिए मिल जाएंगी। प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग के लिए RN चतुर्वेदी, ठीक है, इसको एक नॉर्मल ले सकते हैं आप अपने कॉलेज के एग्जामिनेशन के लिए, आगे तो आपको बहुत सारी लेनी होंगी रिट रेमेडीज ये सब, ठीक है, लेकिन प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग के लिए कॉलेज एग्जामिनेशन के लिए RN चतुर्वेदी आप एक बार देख सकते हैं। अब आते हैं मूट कोट के लिए डॉक्टर कैलाश राय की किताब आप ले सकते हैं, कैलाश राय की किताब अच्छी है, ठीक है, मूट कोट के लिए इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। मुस्लिम लॉ के लिए सबसे अच्छी मुझे जो किताब लगी जो मैं पढ़ता हूँ वो अकील अहमद की, आप मेरे वीडियोस पे जाके मुस्लिम लॉ का मैंने वीडियोस बहुत सारे अपलोड किए हैं, 2-3 अभी अपलोड किए हैं, उसमें जाके देखिए, मैंने अकील अहमद का एक शॉर्ट नोट्स भी बना के डाला है तो आप वहां पे जा सकते हैं। मुस्लिम लॉ के लिए अकील अहमद की किताब अच्छी है, ठीक है। वहीं टॉट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है सभी लॉ स्टूडेंट के लिए, इसका मैंने RK बांगिया की किताब पढ़ी है, मुझे बहुत पसंद आई, केस लॉ भी भरमार पढ़े हैं इसमें, ठीक है, आप न्यू एडिशन RK बांगिया इससे गो थ्रू कर सकते हैं, इलाहाबाद लॉ एजेंसी की किताब है ये, ठीक है। बैंकिंग लॉ के लिए फिर मैंने RN चतुर्वेदी की किताब पढ़ी है, नहीं RN
चौधरी है, आर एन चौधरी की किताब पढ़ी है जो कि सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की है। बैंकिंग लॉ के लिए आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रोफेशनल इथिक्स। प्रोफेशनल इथिक्स के लिए मैंने जेपी सिरोमणि और सुनील सिरोनी का किताब पढ़ा है प्रोफेशनल इथिक्स के लिए, बेंच बार एंड बेंच रिलेशनशिप। इसमें बहुत अच्छे से समझाया है, ये फाइनल ईयर का मेरा सब्जेक्ट था तो मैंने इसी से पढ़ाई की थी, जेपी सिरोनी और सुनील सिरोनी, तो आप इससे भी गो थ्रू कर सकते हैं। साथ में ही जुडिशियरी के एग्जामिनेशन के लिए बोले तो परीक्षा मंथन यानी समर्थ अग्रवाल का किताब, ये तो आपके पास होना ही चाहिए, बेस्ट बुक है, बेस्ट। ठीक है, इसी के साथ समर्थ अग्रवाल का ये जो केस लॉ है, इसका रीसेंट एंड लैंडमार्क केस लॉ है, इसको भी आप लोग ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे कंसाइज मैटर में जो भी रेशियो डिसेंडाई है केस का वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बिहार जुडिशियरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पाहुजा लॉ हाउस का ये बिहार जुडिशियल सर्विसेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर इसको जरूर रखिएगा, इससे बहुत हेल्प हो जाती है। वहीं पे सीपीसी का ये बेयर एक्ट जो है मैंने वाइट्समैन पब्लिकेशन का रखा है, और अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लिए मैंने केडी गौर का ये क्रिमिनल मैनुअल रखा है अभी फिलहाल के पढ़ने के लिए, बाकी देखिए टेक्स्ट बुक क्या आते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बेयर एक्ट हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ पोस्को, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, तो ये सब बेयर एक्ट, साथ में और जो बेयर एक्ट है हमारे उसके बारे में भी देख लेते हैं एक बार, क्या बेयर एक्ट मैंने कौन कौन से रखे हैं। जनरल क्लॉजेस एक्ट है, मुस्लिम लॉ है, लिमिटेशन एक्ट है, सीआरपीसी है, कंपनीज एक्ट है, ठीक है, हिंदू लॉ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जुबिनाइल जस्टिस जुबिनाइल का है, ईजमेंट एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, तो ये सब बेयर एक्ट हम लोग को देखने होंगे। इतने सारे बेयर एक्ट मतलब कि पढ़ने तो होते हैं भाई, सिलेबस है तो पढ़ने होंगे। ठीक है, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, आईपीसी है, और अगर आप बीए एलएलबी में है, ठीक है, बीए एलएलबी में है तो मैंने बस बीए एलएलबी के लिए इंडियन हिस्ट्री के लिए एसआर मायनेनी की किताब रखी है। ठीक है, सोशियोलॉजी के लिए भी एसआर मायनेनी और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी एसआर मायनेनी, ये किताब मुझे बहुत बढ़िया लगी बीए के लिए, तो आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लॉ बुक का जो भी मेरे पास था उसका मैंने वीडियो डाल दिया जिससे मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, आई एम स्टिल कंसिडर एज अ लॉ स्टूडेंट, कंसिडर माई सेल्फ एज अ लॉ स्टूडेंट, तो डेली पढ़ना पड़ता है, और अभी तो मतलब कि बेसिक फाउंडेशन स्टेज में हूँ तो पढ़ना ही पड़ता है, तो आप लोग इसे गो थ्रू कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें, और अगर बुक्स अगर लेनी है डिस्काउंट में, और अगर आप पटना से हैं तो पाहुजा से जाके ले सकते हैं, वहाँ पे आप मेरा स्टडी एट द लीगल या फिर मेरा नाम राम बोलिएगा तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहाँ पे जरूर मिलेगा। उदित भैया है वहाँ पे, मैं नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए, धन्यवाद।